नमस्ते, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रैप मसाला करी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। नमस्ते, आज हम खेकड़ा ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो देखते हैं खेकड़ा कैसे साफ करते हैं। एक खेकड़ा नदी का है और बहुत टेस्टी है। इस तरह से हमको ये निकालना है। इस तरह से इसको साफ करना है, अच्छा पानी लेके साफ करना है। ये देखिए ऐसे साफ करना है, बाकी सभी ऐसे ही साफ करेंगे। हमने केकड़े लिए हैं साफ करके, और एक केकड़ों के पैर है जो हमने धो के अच्छे से लिए हैं। अब इसे मिक्सर में डाल के फाइन पेस्ट बनाना है, यानी कि जूस निकालना है, जो क्रैप ग्रेवी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है और अच्छा फ्लेवर टेस्ट लाता है। हमने क्रैप के पैर को अच्छे से धो लिया है, अभी हम मिक्सर में डालेंगे, इसका जूस निकालेंगे और क्रैप करी में ऐड करेंगे, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आ जाए और स्वाद भी बना रहे। देखिए क्रैप के पैरों का जूस तैयार है, अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। अच्छे से इसका जूस निकालेंगे और बचा हुआ जो वेस्ट रहता है खेकड़े के पैरों का, वो हम फेंक देंगे। क्रैप के पैरों का जूस अब तैयार है। हमने एक टमाटर लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है और दो हरी मिर्च, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और हमने पिसा हुआ नारियल का खोबरा लिया है, इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे मिक्सर में डाल के अलग से। एक रह गए खेकड़ा जो हमने साफ करके लिया है, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पत्ता सजावट के लिए, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रैप के पैरों का जूस जो हमने मिक्सर में लगा के पीस लिया था, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, पिसा हुआ खोबरा जो हमने मिक्सर में लगा के पेस्ट कर लिया था। हमने बर्तन लिया है, अब हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। दो मिनट तक इसे भुनेंगे। अब ये अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच, अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, इसे अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें क्रैब ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रैप को मसाला अच्छे से लग जाए।
क्रैब का मसाला अच्छे से लग चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ खोबरा जो हमने ग्राइंड करके लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें क्रैब के पैरों का जूस ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से उबाल आने दीजिए। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। आपको ज्यादा या पतला ग्रेवी या करी चाहिए उस हिसाब से। अब इसे अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ज्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि क्रैब ऑलरेडी सॉल्टी होते हैं। क्रैब करी को 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दीजिए। हमारी क्रैब मसाला करी अब तैयार है। अच्छे से पक गई है। क्रैब भी अच्छे से पक गए हैं और क्रैब का कलर पहले काला था, अभी लाल हो गया है। इसे हमको पता चलता है कि क्रैब अच्छे से पक चुका है और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है, लाल। अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व करने के लिए तैयार है। तो लीजिए, तैयार है क्रैब मसाला करी।